उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा का 3 चीनी फर्मों के मादनियात के अहम सौदों से निकालने का हुक्म। इनोवेशन मिनिस्टर का कहना है फैसला कौमी सलामती के जायजे के बाद किया गया। चीनी सरमायाकारी से कौमी सलामती को खतरा है। ऑन्टेरियो में तालीमी कारकुनों की हड़ताल। कैनेडियन वजीर आजम का ड्रग फोर्ट से राब्ता। ट्रूडो ने तालीमी कारकुनों को हड़ताल से रोकना नामुनासिब करार दे दिया। फोर्ट का कहना था तुलबा की बेहतरी के लिए कानून साजी जरूरी है। कैनेडा में पुलिस की जानिब से कॉन्वॉय मुजाहरीन की मदद का इंकशाफ। मुजाहरीन के एक वकील का कहना है कि पुलिस की जानिब से मालूमात लीक की गई थी। साबिक फौजियों और जासूसों ने भी मुजाहरीन की मदद की। शुमाली कोरिया ने 23 मिसाइल फायर किए। एक मिसाइल जनूबी कोरिया के साहिल के करीब गिरा। शुमाली कोरिया का मिसाइल गिराने पर जनूबी कोरिया का जवाबी वार। शुमाली कोरिया के तजर्बे के दौरान जापान में एमरजेंसी अलर्ट नाफिज जारी किया गया। रूस के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारियों से मुतालिक कोई इशारे नहीं मिले। अमेरिका का कहना है कि शुमाली कोरिया खुफिया तौर पर रूस को गोला बारूद फराहम कर रहा है। रूस का कहना है कि जौहरी जंग से बचाव के लिए पुरअज़म है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के इनोवेशन मिनिस्टर ने 3 चीनी कंपनियों को हुक्म दिया है कि वो कनाडा की अहम मादनी फर्म्स में अपना इंटरेस्ट फरोख्त करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के इनोवेशन मिनिस्टर ने 3 चीनी वसाइल की कंपनियों को हुक्म दिया है कि वो कनाडा की अहम मादनी फर्म्स में अपने इंटरेस्ट फरोख्त करें। फ्रांसवा फिलिप शॉम्पियन का यह बयान कौमी सलामती के जायजे के बाद सामने आया है। अहम मादनियात और धातें जैसे लिथियम, कैडमियम, निकल और कोबाल्ट, विंड टर्बाइंस और इलेक्ट्रिक कारों से लेकर लैपटॉप, सोलर पैनल्स और रिचार्जेबल बैटरियों तक हर चीज के लाजमी अज्जा है। चीन अहम मादनी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में और बैटरी सेल के अज्जा की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में गालिब खिलाड़ी है, लेकिन चीन बहुत ज़्यादा मादनियात पैदा नहीं करता और इसके बजाय उसने अपनी ज़रूरत के खाम माल के हुसूल के लिए कनाडा जैसी जगहों पर बैरून मुल्क कानों में भारी सरमायाकारी की है। कनाडा और उसके इत्तेहादी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि इस मैदान में चीन के तसल्लुत को ख़त्म किया जा सके और एक सप्लाई चेन बनाए जो उनके दरमियान हो, जो ज़्यादा मुस्तहकम और काबिल एतमाद शराकत दार समझे जाते हैं। इनोवेशन मिनिस्टर ने एक तहरीरी बयान में कहा, जब कनाडा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम करता है, हम फैसला कुन तौर पर काम करेंगे जब सरमायाकारी से हमारी कौमी सलामती और हमारी अहम मादनियात की सप्लाई चेन अंदरूने और बैरून मुल्क खतरा होगा। इन्वेस्टमेंट कनाडा एक्ट के गैर मुल्की सरमायाकारी को कौमी सलामती के खदशात के लिए जायजा लेने के लिए मशरूत करता है और शॉम्पियन ने कहा कि अहम मादनी सरमायाकारी की बेहतर जांच पड़ताल की जाती है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से एक कसीर सतही कौमी सलामती के जायजे के अमल से ये नतीजा अखज किया गया है कि 3 कंपनियों को कनाडा की अहम मादनी कंपनियों में अपनी होल्डिंग को मुनक़ता करना होगा। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स की शक का कबल अज वक्त इस्तेमाल गलत और नामुनासिब है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ट को कहा है कि कानून साजी में इस शिक के बावजूद इसका कबल अज वक्त इस्तेमाल, जिसका मकसद तालीमी कारकुनों को हड़ताल करने से रोकना है, गलत और नामुनासिब है। वजीर आजम के दफ्तर की तरफ से फराहम करदा कॉल के रेड आउट के मुताबिक ट्रूडो ने फोर्ट को बताया, वजीर आजम ने कैनेडियन के हकूक और आज़ादियों बशमूल कारकुनों के हकूक के लिए खड़े होने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने वाजह किया कि कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स की शिक का कबल अज वक्त इस्तेमाल
गलत और नामुनासिब है और इसे सिर्फ इंतहाई गैर मामूली हालात में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दरी असना फॉर्ड के दफ्तर ने कहा कि फॉर्ड ने वजीर आजम को बताया कि तालीमी कारकुनों को हड़ताल करने की इजाज़त देना वबाई अमराज की वजह से 2 साल की रुकावटों के बाद तलबा पर नाकाबिल कबूल असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी आदा किया कि ऑन्टेरियो हुकूमत पुरअज़म है, अगर ज़रूरी हो तो क्लासरूम्स को खुला रखने और वालदैन और तलबा के लिए अब और मुस्तकबिल में यकीन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए सूबे में कानून साजी की जाएगी। ऑन्टेरियो में 55,000 मुतासरा तालीमी कारकुनों की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन ने कहा है कि वो अब भी जुमे से शुरू होने वाली हड़ताल करने का इरादा रखती है और ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। कैनेडा में कॉनवॉय मुजाहरीन के वकील ने एमरजेंसी एक्ट की इंक्वायरी को बताया है कि काफले के कुछ मरकजी मुंतजमीन को पुलिस अफरान से हमदर्दाना लीक्स मौसूल हो रहे थे। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडा में कॉनवॉय मुजाहरीन के वकील ने एमरजेंसी एक्ट की इंक्वायरी को बताया कि काफले के कुछ मरकजी मुंतजमीन को पुलिस अफसरान ने हमदर्दाना लीक्स मौसूल हो रहे थे जब वो कोविड-19 की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज पर थे। कैथ विल्सन, जोथमारा लिच और क्रिस बार्बर समेत दीगर काफले के मुंतजमीन की नुमाइंदगी करते हैं ने पब्लिक ऑर्डर एमरजेंसी कमीशन के सामने गवाही दी, जो कि हुजूम और गाड़ियों को हटाने के लिए हंगामी इख्तियारात तलब करने के वफाकी हुकूमत के फैसले का जायजा ले रहा है, जिसने दारुल हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा बंद कर रखा था। उन्होंने कहा कि तमाम मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसियों से मालूमात और लीक होने का एक मुस्तकिल सिलसिला था। कई बार ऐसे थे जब ऑपरेशन सेंटर में मुख्तलिफ पुलिस जराए से इत्तलात आई के छापा करीब है और ये कई बार हुआ। विल्सन ने इंक्वायरी रूम के बाहर नामा निगारों को बताया कि मालूमात ऑटोवा पुलिस सर्विस, ऑन्टेरियो प्रोविंशियल पुलिस, RCMP और यहाँ तक के कैनेडा की जासूसी एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस से भी मालूमात लीक हो रही थी। विल्सन ने कहा कि बाज़ औकात लीक्स को लीक करने वाले की शनाख्त को मुभिम करने के लिए तश्कील दिया जाता था। कम अज़ कम एक बार मुंतजमीन को एक OPP मेमो लीक किया गया था। विल्सन ने कहा कि उसने इन खदशात का खाका पेश किया है जो सूबाई पुलिस को ऑटोवा पुलिस सर्विस के मुजाहरीन के लिए खुराक, ईंधन और दीगर सामान लाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के मंसूबे से मुतालिक थी। विल्सन ने कमीशन को बताया कि साबिक कानून नाफिज करने वाले अफसरान, साबिक फौजी और साबिक CSIS अहलकार एहतजाज की रसद में शामिल थे और उन्हें रेडियो नक्शे और फिजाई तस्वीर तक रसाई हासिल थी। उनमें से बहुत से साबिक फौजी इससे इंटेलिजेंस के जरिए मुंसलिक थे। शुमाली कोरिया ने तजर्बाती मश्क के दौरान बुध के रोज 10 से जायद मिसाइल फायर किए, जिसमें से एक मिसाइल जनूबी कोरिया में गिरा। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया ने तजुर्बाती मश के दौरान बुध के रोज़ 10 से ज़ायद मिज़ाइल फायर किए, जिसमें से एक मिज़ाइल जनूबी कोरिया में गिर गया। शुमाली कोरिया के नए मिज़ाइल तजुर्बात के दौरान जापान में एमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया था। शुमाली इलाकों में रहने वालों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी गई थी। शुमाली कोरिया ने मिज़ाइल तजर्बे किए और कम अज़ कम 23 मिज़ाइल फायर किए गए, जिनमें से एक मिज़ाइल जनूबी कोरिया के साहिल के करीब गिरा। शुमाली कोरिया के मिज़ाइल तजुर्बात को जनूबी कोरिया ने इलाकाई जारियत करार दिया है, जबकि जनूबी कोरियाई फौज ने शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजी का सख्ती से जवाब देने के अज़म का इजहार किया है। जवाब में जनूबी कोरिया ने मुश्तइल होकर सख्त हवाई हमले की वार्निंग जारी की और एहतजाजन खुद भी मिज़ाइल फायर कर दिया। जनूबी कोरिया ने रद्द अमल में शुमाल की जानब फिजा से ज़मीन तक मार करने वाले 3 मिज़ाइल दागे। जनूबी कोरिया के हुकाम का कहना है कि बज़ाहिर शुमाली कोरिया का मिज़ाइल तजुर्बा नाकाम दिखाई दे रहा है। शुमाली कोरिया ने मुख्तसर फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल भी फायर किए हैं। सियोल से खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया ने मुख्तसर फासले तक मार करने वाले 7 बैलिस्टिक मिज़ाइल और 16 दीगर मिज़ाइल फायर किए, जिनमें 6 ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिज़ाइल भी शामिल हैं। जबकि शुमाली कोरिया ने आज समंदरी बफर जोन में आर्टरी बैराज फायरिंग भी की। शुमाली कोरिया का एक मिज़ाइल जनूबी कोरिया के साहिल के करीब गिरने पर जनूबी कोरिया के सदर ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का ऐलान किया है। शुमाली कोरिया के तजुर्बे के बाद जनूबी कोरिया ने मशरकी साहिल से दूर समंदर में कुछ फिजाई रास्ते बंद कर दिए हैं। अमरीका और दीगर ममालिक ने शुमाली कोरिया को नए मिज़ाइल तजुर्बात पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि जौहरी हथियारों की जंग से बचाव के लिए पुरअज़म है, जबकि अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया खुफिया तौर पर रूस को आर्टरी गोले फरहम कर रहा है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि जौहरी हथियारों की जंग से बचाव के लिए पुरअज़म है, जबकि अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया खुफिया तौर पर रूस को आर्टिलरी गोले फराहम कर रहा है। मास्को से जारी बयान में रूसी वजारत खारजा का कहना है कि आलमी जौहरी ताकतों के दरमियान तसादुम से गुरेज अव्वलीन तरजीह है। जौहरी जंग की रोकथाम के 5 मुल्की मुश्तरका बयान पर कायम है। रूसी वजारत खारजा का मजीद कहना था कि दीगर जौहरी ताकतें भी किसी भी तसादुम को रोकने के लिए मिलकर काम करें। दूसरी जानब अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया खुफिया तौर पर रूस को आर्टिलरी गोले फराहम कर रहा है। अमरीका के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने शुमाली कोरिया और रूस के गठजोड़ पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये दोनों ममालिक यूक्रेन में तबाही के जिम्मेदार हैं। अमरीका ने कहा है कि रूस की जानिब से जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल के कोई इशारे नहीं मिले। वाशिंगटन से व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल के बारे में निगरानी करते रहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल से मुतालिक रूसी तबसरे तशवीशनाक हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Views are precise and perspective.